यूथ ऑफ पंजाब चैनल देख रहे सारे स्रोतों का मैं स्वागत करता दोस्तों। बड़ी खुशी वाली गल आ जिहड़े भी बच्चे इंडिया च रह गए हुण जिन्होंने मतलब कनेडा आना जां किसी भी कंट्री जाना मैनूं लगता हुण बहुत ज़्यादा सौखा हो रहा पर कैनेडा ने तां जमें ही सिरा लाता आना। सो जिहड़े जिहड़े बच्चों के साढ़े पांच बैंड ने एक चों जां पांच बैंड सी जां जिहड़े बच्चों की पी टी की है ना वो कन्फ्यूज आ कि की होगा यार अगे जाके जां साडी फाइल अंबैसी चकूगी या नहीं चकूगी असी पी टी किया जां साडे इक चों साढ़े पांच। सो मित्रों सिरा हो गया आई आर सी सी बाजा मरी जांदा सारिआं नूं कनेडा बाजा मरी जांदा सारिआं नूं कहिंदा आ जाओ मित्रों जिन्ने भी रह गए आ। सो कुछ कु गल्लां आपां तुहाडे नाल करनीआं पहलां तुहानूं सारिआं नूं पता ही हो सकदा कईआं नूं होवे ते मैं भी दस दिंदा कि चार टैसट आ जिहड़े कैनेडा ने अप्रूव कीते आ टॉफल सैलपैप ते आयल्स हो गया अपना सिक्स ईच नहीं हैगे हुण ओवरऑल मतलब बैंड तुहानूं चाहीदे आ छे ते इक हैगा पी टी पी टी चों मेरे ख्याल नाल सिक्स दी चाहीदी आ सारिआं नूं। तो ये बड़ी वधिया गल आ जिहड़े बच्चों नूं कन्फ्यूजन सीगी कि पी टी चलता नहीं चलता जां जिहड़े बच्चे इक चों साढ़े पंज लैंदे सीगे जां नहीं लै पाउंदे सी मोस्टली रीडिंग किसी नूं औखी लगदी आ किसी नूं स्पीकिंग औखी लगदी आ। सो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वधिया जिहड़ा आई आर सी सी ने डिसीजन लिया पर दोस्तों एक गलों तो हैगा बहुत ज़्यादा वधिया जिहड़े भी बच्चे अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं इत्थे अगे पढ़ना चाहते हैं कैनेडा जिहड़े भी अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं वो इत्थे आउण आ के अपनी जिंदगी बेहतर बनाउण। पर दोस्तों गल नाल तुहानूं जिहड़ी सच्चाई भी दसण जा रहा एक जिहड़ी कि आने वाले समय से देखनी पै सकती जां आने वाले समय से बिल्कुल तुहानूं मतलब कि औखा कर सकती किसी गल्लां तों क्योंकि कैनेडा के जिहड़े हालात ने हुण वह बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक हो चुके हैं अपने जिहड़े आपां स्टूडेंट आ आपां बहुत ज़्यादा मात्रा च इत्थे आए हैं है ना तो आपां नूं जॉब चाहिए आपां क्यों इत्थे आउणे आ कि आपां नूं जॉब मिले काम मिले आपां पढ़न तां कोई मैं कहना 100 चो 10-15% बच्चे जिहड़े वो पढ़न आउंदे होणगे बाकी सारे अपना भविख सुधारन आउंदे आ कि सानूं साडी फैमिली दा जां साडा भविख सुधर जाए तो आपको जॉब चाहिए होंगी काम चाहिए होंगे इतने आके ताकि अपनी जी पढ़ाई अगे की आप फीस इकट्ठी करिए अपनी फैमिली में सपोर्ट करिए राइट। पर हुण दे जिहड़े हालात की होए पए ने जिवें हुण तुसीं सुणदे होंगे ब्रैम्पटन अपने लोग ब्रैम्पटन प्यार करते हैं कि उत्थे किसी की फैमिली होंगी है किसी के दोस्त होंगे है ना किसी का कुछ होंगे उत्थे सारे लोग उत्थे जाते हैं तो पर उतों के हालात है जिहड़े उतों के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं भी काम नहीं मिल रहा बच्चों को लोगों को काम चाहिए इत्थे आके पढ़ाई तो चलो करनी ही करनी है पर जो काम ही ना मिले तो अपना इतने आने का आसरा की है मैं ये दसो तुम राइट। सो जिहड़े बच्चों ने आना यहोजी सिटिया के आना कि जिते बहुत ज़्यादा घट जिमें ब्रैम्पटन हो गया सरी हो गया जैसे होर एरिया जिते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुके हैं सो उन्होंने बच्चों नाल कुछ क पैसे कैरी करके आना पेगा इतने कुछ महीनों के 5 महीने 6 महीनों के हो सकता 8 महीने वेला रहना पैजे। सो तुम आपके रिश्तेदारों आपके दोस्तों मित्रों को पुछदी होवोगे जो उत्थे रहिंदे भी काम की सिचुएशन की आ। सो मैं ये रेकमेंड करदा कि सारे जिहड़े बच्चे आ नवे आने वाले जिन्हां दे 5.5 तों जदों फाइलां लाउणगे 10 अगस्त तों बाद ही फाइलां एक्सैप्ट होनियां शुरू होनियां जिहदे च इक चों 5.5 चलो तुहाडे चले जाणगे ना ओवरऑल 6 बैंड भी तुसीं कोई इहो जिहा जिहड़ा मतलब कि सिटी आ जां कोई इहो जिहा एरिया चुनो जिथे बहुत ज़्यादा घट स्टूडेंट होण तां कि तुसीं अपना जिहड़ा भविख सुधार सको अपना कोई जॉब तुहानूं मिल जाए तुसीं सस्कैचवन देखो यूकन देखो न्यू ब्रंसविक देखो ठीक है जिहड़े दूर दूर एरिया जिथे बहुत घट मतलब पंजाबी ने जां बहुत घट स्टूडेंट ने तां कि तुहानूं उत्थे जाके जिहड़ा मतलब कम मिल सके। हुण अपने आम वड्डे शहरां दे विच जिहड़े पुराने लोग आ चलो उन्हां दा वधिया उन्हां दा ओह फैमिली सपोर्ट कर सकदी आ उहदे बच्चे नूं हुण जे मान लो किसी दी फैमिली इत्थे आ किसी दे रिश्तेदार इत्थे आ उन्हां दा बच्चा ब्रैम्पटन आउंदा उह तुहानूं 7-8 महीने जां 5 महीने घर बह के रोटी दे सकदे आ पर जिहड़े बच्चे अपने आप आ रहे आ जिन्हां दा कोई रिश्तेदार है नहीं उत्थे जिन्हां दा कोई सगा संबंधी है नहीं उत्थे तां ओह अपने आप नूं किवें सपोर्ट करनगे जे उन्हां नूं जॉब ही ना मिली। कई बच्चे 3-3 सालों की जिहड़ी डिग्री लैके आउंदे आ इत्थे ओह फीस किवें इकट्ठी करनगे मैनूं दस्सो जो कम तो हूँ नहीं मिल रहा है ना इन्ना वे शहर के आने वाले समय के स्टूडेंटा ने आना ही आप बच्चे अपने आ रहे हैं होर भी देशों तो आए हैं तो मैं ये कहना चाहता भी वो फीस क्ढन आपको कोई सोर्स होना चाहिए कोई। सो जो डिसीजन लेना दोस्तों किसी जगह का वो तुम्हें बहुत ही ध्यान ना लेना तुम वो एरिए जाना जिते थोड़ा कोई कम मिल सके जोड़ी कोई रैफरेंस हो रिश्तेदार थोड़ा कहें भी हाँ अं कम दवा देंगे या साडे कोले काम हैगा तुसीं उत्थे जा सकते हैं नो ना नो डाउट कोई चक्कर नहीं है। तो मोस्ट वेलकम आ बड़ी खुशी वाली गल आ जो मैं पेपर दिता से मेरे भी 2 वारी एक चो 5.5 रहे मैनू भी ऐ हों यार 5.5 वीजा लग गए जो मैं पहुँच जावा है ना चलो दो दोबारा पेपर दिता चलो मेरे बैंड आ गए हूँ थोड़े भी जो 5.5 एक चो सारे तुम जाने फाइल लाओ आओ इतने पर जोड़े डिसीजन आपके वो बड़े सोच समझ के लेने दोस्तों तुम ठीक है तो कि जो फाइनैशियल लॉस आ ना हो सके तो पिछों आपके इंडिया तो पैसे ना मंगाने पैन तुम फैमिली तंग ना करो तो नहीं तो फिर हालात बहुत माड़े हो जाएंगे इतने आके
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਘੰਟੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਗਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਲੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।